Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5. तो guys, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी हो तो आप लोग को याद ही होगा कि डगन बॉस जो है ना वो हमको छोड़ के जा चुका है लिबर्टी सिटी. हमने उसको पैसे ला के दिए और वो भाई जा चुका है लिबर्टी सिटी. तो guys, उसके बाद एक पंगा हो चुका है. आप लोग को याद होगा हमने एक माफिया और गैंग के बीच में एक डील और इसने उसको फेल करवाया था और हमने वहां पे बम ब्लास्ट कर दिए थे. वो जो हमने डील फेल करवाई थी ना, उसके बाद जो बेलास गैंग है ना वो माइकल के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है. पूरे लॉस सेंटोस में वो बेलास गैंग माइकल को ढूंढ रही है, चप्पे चप्पे में माइकल को ढूंढ रही है. तो भाई इसी चीज का ना, उसके बाद गाइस मेरे को पता चलता है कि लेसर जो है ना वो मिलिट्री कर्नल के साथ है, मिलिट्री कर्नल के साथ काम कर रहा है. तो मैं जब यहाँ पे आया गाइस, यहाँ की कहानी तो कुछ और ही थी. भाई साहब यहाँ पे तो एक UFO क्रैश हुआ है, वो भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ. पता नहीं भाई, मिलिट्री कर्नल ना एलियंस के ऊपर ज्यादा ही भरोसा करता है और लेसर भी भरोसा करता है, जो कि मुझे नहीं लगता भाई एलियन एग्जिस्ट करते हैं यार. बाकी आप लोग बताओ यार, आप लोग को क्या लगता है एलियन एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं? बाकी आप लोग बताओ, आप लोग को क्या लगता है एलियन एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं? बाकी यार मुझे तो गाइस कुछ समझ में नहीं आ रहा. एक सेकंड, ये बंदा मेरे पास ही आ रहा है क्या? तो हाँ भाई, ये बंदा तो मेरे पास ही आ रहा है. वेट एक सेकंड, इससे मैं गाइस बात कर लेता हूँ. ऑल राइट गाइस, भाई मिलिट्री कर्नल इतना ज्यादा हरामी है ना. हम गाइज, आप लोग को पता है हम मिलिट्री बेस में कैसे घुसे थे? तो गाइज, मिलिट्री बेस में आने के लिए हमने ये मिलिट्री के कपड़े बाय करे थे और मिलिट्री की ये वाली जो गाड़ी है ना, हमने भाई किसी मिलिट्री ऑफिसर की चोरी करी थी. तो भाई मिलिट्री कर्नल इससे मेरे से बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ था. उस भाई मिलिट्री कर्नल ने इस बंदे को भेजा है कुछ कपड़े दे के, और भाई माइकल को ये परमिशन मिल चुकी है कि माइकल मिलिट्री बेस में कोई भी कपड़ों में आ सकता है. तो बाकी जो इसने कपड़े दिए ना पहले, वो हम इससे ले लेते हैं. ऑल राइट गाइज, मैंने इससे सूटकेस तो ले लिया है, अभी भाई कपड़े चेंज कर लेते हैं फिर गाड़ी के अंदर बैठ के. ऑल राइट गाइज, भाई इससे घटिया कपड़े नहीं क्या मिले मिलिट्री कर्नल को? ये देख रहे हो भाई कैसा लग रहा है माइकल. चलो यार गाइज, अभी ये जो बंदा है ना, ये मिलिट्री बेस के बाहर तक मेरे को छोड़ के आएगा और उसके बाद ये वाली गाड़ी लेके आ जाएगा और मेरे को मिलिट्री बेस के बाहर छोड़ आएगा. गाइज अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि भाई बेलास गैंग ने मिलके ना जिमी को किडनैप कर लिया है. और भाई मुझे ना कोई, मैंने आप लोगों से पूछा था मुझे कौन सी ऐसी गैंग के साथ हाथ मिलाना चाहिए, तो गाइज आप लोगों ने बहुत जानों ने कहा वेगास गैंग या फिर लॉस गैंग, यही दोनों गैंग है जो कि बेलास गैंग के साथ चिढ़ती है बहुत ज्यादा. तो आज ना गाइज हम लॉस गैंग में शामिल होने जाएंगे या फिर वेगास गैंग में, जो जिसने हमको शामिल कर लिया ना हम उसके साथ ही जाएंगे. तो बाकी ठीक है गाइज, अभी भाई जिम्मी का ना यार मुझे सबसे ज्यादा डर पता किस चीज का लग रहा है, जिम्मी का. क्योंकि गाइस जो बेलास गैंग है ना, उसने लास्ट टाइम माइकल को कॉल करके ये बोला था, अगर और बेलास गैंग ने बोला था कि तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे अपने बेटे को छुड़वाने के लिए, अगर तुम 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे पास ना आए ना, तो भाई तुम्हारा जो बेटा है ना वो 25वें घंटे में उसकी लाश तुम्हारे खुद के घर पे होगी. तो गाइज अपने पास ना सिर्फ कुछ ही समय बाकी है, समझ लो आज रात तक का समय बाकी है, ठीक है? तो मुझे आज रात तक ना कैसे भी करके जिमी को बचाना है. और मुझे पता है आप लोग सोच रहे हो कि मैं ये बात मिलिट्री कर्नल को क्यों नहीं बता रहा हूँ. गाइज यहाँ पे ना मिलिट्री बेस में ना बहुत बड़ा हादसा हुआ है, बहुत बड़ा UFO आके मिलिट्री बेस में घुस गया और लेस्टर और मिलिट्री कर्नल दोनों उसकी जानकारी में जुटे पड़े हैं यार. इसीलिए मैं मिलिट्री कर्नल को कुछ नहीं बोल रहा हूँ. बाकी ठीक है गाइस, अभी मुझे ये बंदा जो है ना वो मिलिट्री बेस के बाहर तक छोड़ के आएगा, उसके बाद ये अपनी गाड़ी यहाँ से ले आएगा. गाइस यहाँ पे देख लो भाई, अगर मैं चाहूँ ना सारे के सारे मिलिट्री वालों को उठा के लेके जा सकता हूँ. ये देख लो कितने सारे मिलिट्री वाले हैं यहाँ पे भाई, और इनके पास कितने बड़े बड़े टैंक्स, कितनी बड़ी बड़ी तगड़ी तगड़ी गाड़ियाँ भी होंगी, जिससे ये भाई उन बेलास गैंग का ना चुटकियों में खत्म कर सकते हैं उन बेलास गैंग वालों को. यहाँ पे देख लो भाई, इनके पास क्या ही खतरनाक खतरनाक वेपन्स है. ये देखो टैंक घूम रहा है, और वो देख लो भाई हाइड्रा, ये तो भाई मिनटों में पूरी की पूरी गैंग की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं, पर हम गाइज इनको बता नहीं सकते. ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. यहाँ पे देखो भाई हाइड्रा पे हाइड्रा खड़े हैं, ये देख लो ये फाइटर जेट होते हैं बहुत बड़े बड़े. यहाँ पे देख लो भाई इनकी सर्विसिंग चल रही है, ये देख लो भाई यहाँ पे ना मतलब फाइटिंग करने के लिए ना गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, पर डर इसी बात का है ना कि भाई हम ये चीज़ें कर नहीं सकते. तो बाकी ये रहा वो हादसा जो हुआ इतना बड़ा. मिलिट्री कर्नल और लेस्टर भाई यहाँ पे ही सब कुछ चेक वेक कर रहे हैं भाई, ये कैसे हुआ क्या हुआ, मतलब इनको ये लगता है कि ये सारा काम एलियंस ने करा, जो कि भाई एग्जिस्ट करते ही नहीं है, पर फिर भी पता नहीं क्यों ऐसी भाई अनपढ़ों वाली बातें कर रहे हैं, ना समझ वाली बातें कर रहे हैं. बट कोई ना,
करने दो इनको, ये भाई यहाँ पे मिलिट्री कर्नल और लेस्टर दोनों खड़े हैं। और गाइज मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इनसे बात करने बैठूं। चलो ठीक है भाई, अभी इन सब चीज़ों को छोड़ो, मैंने आप लोग को दिखा दिया ये इतना बड़ा सीन हो रखा है यहाँ पे, इसीलिए भाई मैं मिलिट्री कर्नल को और लेस्टर को ये बात बता नहीं रहा। बट लेस्टर को मैंने ये बात बता दी, लेस्टर ने मुझे बोला मैं अपने सर्वर से अपने हैकिंग टूल से पता करता हूँ इस टाइम पे जिमी आखिरकार है कहाँ। तो चलो गाइस ठीक है, अभी हमें कम से कम नहीं तो लेस्टर का साथ तो मिल ही चुका है। बाकी चलो यार अभी हमें यहाँ से बाहर निकलना है। ऑल राइट गाइज, हम अपनी गाड़ी को भगाते भगाते गाइज पहुंचने वाले हैं मिलिट्री बेस के एंट्री गेट के पास। ओके तो यहाँ से तो नहीं जा रहा है भाई रास्ता। ओके गाइज ये जा रहा है वो रास्ता बाहर जाने का। तो चलो यार गाइज अभी हमें यहाँ से तो अभी अपनी गाड़ी को यहाँ पे बोलना पड़ेगा अलविदा। और भाई अभी मिलिट्री बेस से हमें यहाँ से ही बाहर जाना पड़ेगा। तो चलो गाइज यार अभी ये जो बंदा है ना भाई ये अपनी गाड़ी को यहाँ से लेके जाने वाला है। बट ठीक है यार अभी ले जाएगा ना भाई, एक बार देख लूँ भाई अभी मिलिट्री कर्नल मेरे को बोले। चलो ठीक है गाइज ये तो अपनी गाड़ी लेके यहाँ से निकल चुका है, अभी हम फ्री हैं भाई। अभी हमें भाई यहाँ से बाहर निकल के कोई ना कोई गाड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। देख रहे हो भाई कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी लगा रखे हैं उन्होंने मिलिट्री बेस पे, पहले से ही इतने बड़े बड़े तगड़े व्हीकल्स खड़े हैं। भाई ऐसा व्हीकल मेरे हाथ लग जाए ना और ऊपर कोई बंदा मेरे साथ हो ना मारने वाला, बेलास गैंग तो भाई मिनटों में ख़त्म कर दूंगा। अभी तो भाई लेस्टर भी नहीं है, नहीं तो भाई लेस्टर को ही साथ ले जाता। अभी अपने साथ कोई है भी नहीं भाई, फ्रैंकलिन को भी कॉल कर रहा हूँ दो तीन दिन से, वो भी कॉल नहीं उठा रहा। छोड़ो यार अभी मुझे बाहर खुद ही चल के बाहर जाके कोई ना कोई गाड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। तो चलो गाइज यार मैं तो भगता भगता गाइज आ चुका हूँ बाहर की तरफ। अभी मुझे यहाँ से किसी ना किसी से गाड़ी छीननी पड़ेगी। और लास्ट टाइम हमने अपनी गाड़ी को ना पार्क किया था, आप लोग को पता है प्राइवेट पार्किंग में हमने अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को पार्क किया था, वहाँ से अपनी लैम्बोर्गिनी सियान उठाएंगे, देन उसके बाद भाई चलेंगे फिर जिमी को ढूंढने के लिए। पहले तो मैं ना गाइज यहाँ से थोड़ा दूर चला जाता हूँ और भाई मिलिट्री वालों को पता चल जाए कि माइकल ऐसे वैसे काम करता है। बाकी ठीक है, वो सामने मुझे पार्किंग दिख रही है, वहाँ पे दो तीन गाड़ियाँ खड़ी हुई है, वहीं से ही गाड़ी उठाते हैं। रुको यार। ऑल राइट गाइज मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे। ओके तो ये गाड़ी भी खुली मिल गई भाई मेरे को, क्या ही मस्त चीज़ है भाई, गाड़ी भी खुली हुई मिल गई मेरे को। और मैं ना भाई इस गाड़ी को पूरे फुल स्पीड में भगाने वाला हूँ और अपनी लैम्बोर्गिनी सियान के पास जाने वाला हूँ। अपनी लैम्बोर्गिनी सियान वहाँ पे मैंने प्राइवेट पार्किंग में खड़ी कर रखी है और मेरे को डर भी लग रहा है। ओ भाई सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने देखा नहीं तुम मुड़ रहे हो। और मैंने गाइज अपनी मुझे लैम्बोर्गिनी सियान का डर भी लग रहा है क्योंकि लास्ट टाइम हमने वहीं पे पार्क करी थी और प्राइवेट पार्किंग में और किसी की गाड़ी भी नहीं थी। तो चलो कोई बात नहीं, वहां पे जाके पता चलेगा। तो चलो गाइज अभी मैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता हूं और फटाफट से निकलता हूं प्राइवेट पार्किंग के लिए। ऑल राइट गाइज मैं अपनी गाड़ी को भगाता भगाता गाइज पहुंच गया हूं लॉस सैंटोस में। और यहां पे थोड़ा सा आगे जाके मैंने अपनी गाड़ी को पार्क करा था, शायद यही वो प्राइवेट पार्किंग थी। रुको आई थिंक यही वो प्राइवेट पार्किंग थी। रुको भाई। ओके तो चलो गाइज यार ये रही अपनी गाड़ी और लास्ट टाइम मैंने इसको लॉक करके खड़ा किया था इसीलिए अपनी गाड़ी बची। और देख रहे हो भाई इस पार्किंग में किसी और की गाड़ी भी नहीं है, मतलब देख रहे हो वो तो हमने लॉक करके खड़ा करा था तभी बच गई अपनी गाड़ी। अभी तो भाई मैं बैठ चुका हूँ इसी गाड़ी के अंदर। अभी गाइज अपना एक ही काम है, अभी मुझे सबसे पहले जाना है वेगास गैंग के पास। वेगास गैंग कहाँ पर मिल सकती है थोड़ा मुझे पूछना पड़ेगा इधर उधर। और वेगास गैंग के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि मुझे आप लोग की गैंग में ज्वाइन होना है। अगर हम एक बार किसी भी गैंग में ज्वाइन हो गए ना तो भाई सारी गैंग को इकट्ठा करके मैं सीधा बेलास गैंग के अड्डों में ना, हम सीधा जाएंगे बेलास गैंग के अड्डों में, सारे के सारे उनके अड्डे खत्म ही कर देंगे। क्योंकि भाई अभी सिर्फ यही ऑप्शन है अपने पास, मैं अकेला भाई इतनी बड़ी बेलास गैंग को खत्म तो नहीं कर सकता। और गाइज अपने पहले ही इतने बुरे दिन चल रहे हैं, गवर्नमेंट ने अपने सारे घर शोरूम बिजनेस गाड़ियां सब कुछ हमसे छीन लिया है, मतलब माइकल की वो लाइफ स्टार्ट हो चुकी है ये जब से माइकल लॉस सैंटोस में पहली बार आया था, वो लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। अभी बस अपने पास एक लैम्बोर्गिनी सियान है और कुछ भी नहीं है, अपने पास खुद का एक घर भी नहीं है रहने के लिए। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देते हुए अभी ना तो मेरे पास पैसा है, इसीलिए भाई अभी जो भी है बस अभी मुझे जिमी को कैसे भी करके बचाना होगा। धीरे धीरे करके ना अपनी सारी फैमिली को मैं वापस ले आऊँगा अपने घर पे। एक बार फैमिली अपने घर पे वापस आ गई ना अपने फिर से बढ़िया दिन स्टार्ट हो जाएंगे। चलो यार गाइज अभी बातें बातें बहुत हो गई, सीधा निकलता हूँ मैं वेगास गैंग के अड्डे के लिए। ऑल राइट गाइज तो अपन अपनी गाड़ी को भगाते भगाते गाइज काफी ज्यादा दूर तक पहुंच चुके हैं। और गाइज जो अभी आप पहले रिकॉर्डिंग सुन रहे थे ना भाई वो मैं थोड़ा बीमार था और मैंने पिछले दिन वो वीडियो रिकॉर्ड करी थी तो तब मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो आज अपनी तबीयत भी सही है और पूरा मूड भी फ्रेश है। अभी देखना गाइज अभी अपन अपनी गाड़ी को भगाते भगाते पहुंचने वाले हैं वेगास गैंग के अड्डे में। ओके तो गाइज मैं पहुंच चुका हूँ वेगास गैंग के अड्डे पे। भाई सॉरी यार बिना मतलब के टक्कर लगा दी। चलो यार थोड़ा स्टंट मारने के चक्कर में ना किसी और के टक्कर लग गई।
चलो गाइस ठीक है, अभी मैंने अपनी गाड़ी को ना यहीं पे पार्क लगा दिया और ये रहे भाई सॉरी की सॉरी वेगास गैंग भाई, जिनका पता नहीं कोई सीन चल रहा है अलग ही। बाकी ना गाइस एक बार इससे बात करके अंदर जाने की परमिशन ले लेते हैं। ऑल राइट गाइस, ये बंदा बोल रहा है ठीक है तुम चले जा सकते हो अंदर, इसने मेरी चेकिंग करी और मेरे पास एक भी वेपन नहीं मिला, तो बंदा बोल रहा है ठीक है तुम अंदर जा सकते हो। बाकी ना हमको गाइस इनके बॉस से मिलना है, तो देखते हैं भाई कहाँ है इसका बॉस, ढूंढना पड़ेगा। भाई साहब एक तो ना ये वेगास गैंग देख रहे हो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, सबके पास भाई पैसा देख रहे हो कितना है, लिटरली गाइस इतना पैसा भाई अपने पास होना क्या ही बोले गाइस। ओ वेट 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 भाई, ये बंदा बोल रहा है इधर मत जाओ तुम, चलो गाइस अगर आप अंदर गए ना तो सीन गलत हो जाएगा। बाकी देख रहे हो भाई भाई पैसों की कमी नहीं है यार इनके पास। ऑल राइट गाइस, ये है बॉस, इससे ना गाइस बात कर लेते हैं कि हमको भी वेगास गैंग ज्वाइन करनी है। तो गाइस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है, ये बंदा बोल रहा है कि अगर तुमको वेगास गैंग ज्वाइन करनी है ना तो तुमको वेगास गैंग के लिए कोई ऐसा काम करके दिखाना पड़ेगा, तभी हम तुमको अपनी गैंग में ले सकते हैं। ये कह रहा है तभी हम जानेंगे कि तुम हमारे लिए या हमारी गैंग के लिए क्या ही कर सकते हो। भाई इन चीजों के लिए ना अपने पास गाइस सही में टाइम नहीं है। गाइस अगर मैं इनको ही अपने आप को शो करने लग गया ना मैं कैसा इंसान हूँ कैसा नहीं, तो भाई इतने में मेरे बेटे की जान चली जाएगी, जिमी की जान चली जाएगी। तो भाई अभी मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है कि मैं इनको दिखा पाऊँ कि मैं कैसा हूँ या कैसा नहीं। बाकी वो तो गाइस आप लोग को भी पता है माइकल भाई चीज़ है यार, कोई बात नहीं, कभी ऐसा टाइम भी आएगा जब ये सारी गैंग्स हमसे डर के रहेगी। बाकी अभी टाइम बुरा चल रहा है तो क्या ही कर सकते हैं। चलो ठीक है गाइस, अभी अपने पास तो टाइम नहीं है ठीक है। तो वेगास गैंग ने तो भाई सीधा मना कर दिया, अभी वेगास गैंग अपन ज्वाइन तो करेंगे भाई, ये नहीं है कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि आज ना मुझे जिमी की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, तो वेगास गैंग तो मैं ज्वाइन करूंगा बट अभी के लिए नहीं गाइस, पहले मैं एक बार जिमी को बचा लूं, जिमी को सेव कर लूं, देन उसके बाद फिर भाई अपन आराम से वेगास गैंग ज्वाइन करके इनकी बेलास गैंग के साथ फाइट करवा सकते हैं। चलो ठीक है गाइस, अभी इतनी बातें तो नहीं करते, अभी फटाफट से मैं अपनी गाड़ी भगाता हूँ और फटाफट से निकलता हूँ लॉस गैंग के अड्डे के लिए। ऑल राइट गाइस, मैं अपनी गाड़ी को भगाता गाइस पहुंचने वाला हूँ अभी लॉस गैंग के अड्डे में, जो कि अपनी सिर्फ एक लास्ट उम्मीद है। ओके, ये आ चुका है लॉस गैंग का अड्डा। और आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे लॉस गैंग, गाइस मैं आप लोग को बताता हूँ, लॉस गैंग वैसे तो ये विलेज में रहती है, अबे साइड हटना तेरी पैस की भाई। तो गाइस आप लोग सोच रहे हो कि लॉस गैंग तो विलेज की तरफ रहती है, हाँ गाइस वे विलेज पे ही रहती है, बट ये जो गाइस एरिया है ना इनका लॉस गैंग का, यहाँ पे अगर कोई भी नया बंदा आता है ना तो ये ट्रेनिंग वगैरह यहीं पे देते हैं। तो मुझे, मैंने पूछा था किसी से तो उसने मुझे यहीं की लोकेशन दिया। बाकी ठीक है भाई लॉस्ट, एक मिनट की मैं यूनिफॉर्म चेक कर लेता हूँ, द लॉस्ट मोटरसाइकिल क्लब, ठीक है गाइस यही गैंग है। तो इधर मुझे किसको मिलना पड़ेगा, वेट अ मिनट यार, एक काम करता हूँ मैं, एक यहाँ पे दो लोग खड़े हैं, इनसे एक बार बात कर लेता हूँ कि कैसे कैसे करके इस गैंग में ज्वाइन करना पड़ेगा। ऑल राइट गाइस, ये बंदा मुझे बोल रहा है कि अगर तुमको हमारी गैंग को ज्वाइन करना है ना, सबसे पहले तीन टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे। एक तो बहुत तगड़ी फाइट होगी, उसमें तुमको जीत के आना पड़ेगा। दूसरी बात, ये जो बाइक्स दिख रही है इसमें से इनको रेस से हराना पड़ेगा, रेस में मतलब हराना पड़ेगा। और तीसरी बात गाइस, किसी भी गैंग में जाके उनकी खुफिया बातें पता करके आनी पड़ेगी, तभी तुम इस लॉस गैंग में ज्वाइन कर सकते हो, भाड़ में जाए तुम्हारी लॉस गैंग। गाइस यार ये बहुत तगड़े तगड़े गंदे गंदे टास्क दे रहे हैं, वेगास गैंग अभी भी ठीक है गाइस, आप लोग को कमेंट करके बताना अभी आप लोग को क्या लगता है, अभी ये लॉस गैंग ज्वाइन करनी चाहिए या फिर वेगास गैंग। बाकी मेरे को तो वेगास गैंग ठीक लगी है, क्योंकि उनके भाई टास्क बहुत कम है, वो कह रहे थे कि हमारे लिए कुछ ऐसा करके दिखाओ, तो हम उनको अगर एक बार भी कुछ करके दिखा देंगे तो अपन उनकी गैंग में ज्वाइन हो सकते हैं। बट अभी के लिए गाइस अपने पास टाइम नहीं है, अभी के लिए सिर्फ मुझे आज के आज अपने बेटे जिमी को बचाना है भाई, रात होने से पहले पहले मुझे जिमी को कैसे भी करके बचाना पड़ेगा। अभी मुझे गाइस कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या। तो गाइस अभी के लिए ना मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज आ रही है कि ये पता करना कि आखिरकार बेलास गैंग, आखिरकार उनका अड्डा कहाँ है, क्योंकि गाइस अगर हम वेगास गैंग के अड्डे में जा चुके हैं, और गाइस हम वेगास गैंग के अड्डे में जा चुके हैं और लॉस गैंग के अड्डे में जा चुके हैं, ऐसा बेलास गैंग का भी तो अड्डा होगा ना गाइस, एक बार क्यों ना बेलास गैंग के अड्डे में जाके थोड़ा छुप छुप के देख के आए कि आखिरकार वहां पे क्या चल रहा है, क्या पता मुझे वहां पे जिमी दिख ही जाए, क्या पता मैं वहीं से जिमी को बचा लूं। भाई मुझे ये आइडिया बिल्कुल सही लग रहा है यार। चलो यार गाइस अभी मैं अपनी गाड़ी भगाता हूँ और फटाफट से निकलता हूँ बेलास गैंग के अड्डे के लिए। ऑल राइट गाइस, मैं अपनी गाड़ी को भगाता गाइस पहुंचने वाला हूँ बेलास गैंग के अड्डे में। गाइस मुझे ना थोड़ा सा ना ध्यान से यहाँ से जाना होगा, सामने ही जाके गाइस बेलास गैंग का अड्डा, और ये देख रहे हो भाई, रुको, मुझे ना गाइस सीधा धीरे धीरे जाना पड़ेगा, सामने जाके सीधा ही बेलास गैंग का अड्डा है, और अगर उन्होंने माइकल को पहचान लिया ना गाइस
भाई अपने लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, तो ना मुझे थोड़ा सा ध्यान ध्यान से यहाँ से जाना पड़ेगा। तो गाइज ये सारी बेल, ये देख रहे हो गाइज, ये है बेलास गैंग का अड्डा। एक काम करता हूँ मैं ना, अपनी गाड़ी को ना पहले यहीं पे पार्क लगाता हूँ। तो गाइज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे है वो बेलास गैंग का अड्डा। भाई वो रहे सारे बेलास गैंग के बंदे, रुको मैं अपनी बायनोक्लियर्स निकाल के देखता हूँ। एक तो गाइज अपने पास फोन नहीं है भाई, आज ना मुझे कैसे भी करके अपने लिए एक फोन भी लेने जाना है, क्योंकि भाई अपने पास फोन तक नहीं है यार। बिना फोन के ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है यार अपने लिए। मैं भाई, मुझे लेसर ने पहले ये बोला था कि जब तुम यहाँ से जाओगे ना, तुम अपने लिए फ़ोन लोगे, क्योंकि लास्ट टाइम गाइज आप लोगों को पता है जब हम प्रिजन में गए थे ना, तो भाई उसके बाद जब हमको डगन बॉस ने बचाया था तब अपना फोन कहीं गिर गया था, तो मुझे अपने लिए फोन भी लेना। मेरे पास अभी गाइज मेरे पास ना फोन नहीं है। एक सेकंड रुको यार, मैंने गाड़ी क्यों बाहर निकाली भाई, एक तो अपना ही दिमाग नहीं काम कर रहा, और मुझे आज के आज ना फोन भी लेने जाना है भाई। पहले मुझे फोन ही लेना पड़ेगा, तभी जाके मैं गाइज जिमी को बचा सकूंगा, क्योंकि मेरी लेस्टर से बात ही नहीं हो पा रही है भाई। गाइज ये रही वो बेलास गैंग, देख रहे हो भाई, वो भी इधर उधर ही देख रहे हैं, देख रहे हो। एक सेकंड, मेरा फोकस नहीं हो, ओके तो ये देख रहे हो गाइज, ये भी इधर उधर ही ढूंढ रहे हैं कोई बंदा बैठा हो, और ये रहे वो बेलास गैंग के बंदे। मुझे लग रहा है ना जिमी भी इधर कहीं है भाई। तो एक काम करता हूँ, अभी के लिए तो उन्होंने मुझे पहचाना नहीं है, अपनी गाड़ी को ना उधर लेके जाता हूँ, थोड़ा घुमा फिरा के आता हूँ गाड़ी को, तभी मुझे लग रहा है ना मुझे वहां पे जिमी मिल सकता है। रुको यार, वेट अ मिनट गाइस, यहाँ पे ना ध्यान ध्यान से मुझे अपनी गाड़ी को लेके आना पड़ेगा। रुको यार, ओ भाई वेट 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 वेट, ओ भाई ये देख रहे हो भाई साहब, इन्होंने क्या ही सीन कर दिया भैंस की टांग। दो मिनट में इन्होंने भाई, हम दो मिनट में अपनी गाड़ी को घुमा रहे थे, बंदों ने आरपीजी तक छोड़ना शुरू कर दिया। अबे यार बिना मतलब के आरपीजी ऐसे, भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी यार अपने लिए। एक काम करता हूँ गाइज, अपनी फटाफट से अपनी गाड़ी भगा के ना यहाँ से पहले दूर निकलता हूँ। ऑल राइट गाइज, अभी ना मैं उनका भाई बेस छोड़ के ना काफी ज्यादा दूर तक आ चुका हूँ। अभी मुझे लग रहा है भाई वो अभी मेरे पीछे नहीं आएंगे, और गाइज अभी मुझे कुछ ना कुछ ऐसा हल करना पड़ेगा, और जिमी को कैसे भी करके बचाना पड़ेगा भाई। पता नहीं उन्होंने क्या ही हालत कर रखी होगी जिमी की, आप लोगों ने देखा था लास्ट टाइम भाई, एक मिनट में हम घुसे नहीं है, मिनटों में आरपीजी चलाना शुरू कर दिया। ये तो अपनी गाड़ी बढ़िया थी कि हम बच गए, बट नहीं तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है अपने लिए। गाइज अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी हमारी जो हेल्प है ना वो कौन करेगा यार, अभी मैं अकेला जिमी को कैसे बचाऊं, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा। वेट, ये बेलास गैंग के बंदे जा रहे हैं ना भाई, कोई गोली ही मार रहा है मेरे। ओ भाई ये बेलास गैंग के बंदे तो पीछे आ गए हैं। वेट यार भैंस की टांग भाई, अगर ये बेलास गैंग के बंदे ऐसे आ रहे हैं ना तो कम ही आ रहे हैं यार। एक काम करते हैं भाई, इनको ऐसे रुक के ना यहीं पे खत्म करते हैं, अपनी बड़े वाली गन बाहर निकालते हैं। रुको आने दो इनकी ऐसी की तैसी, अब मैं बताता हूँ। रुक तेरी, ये आ रहा है ना तेरी ऐसी की तैसी, चल निकल यहाँ से भाई। एक सेकंड, एक ये बंदा आ रहा है, चल भाई तू भी निकल। गाइस ऐसे तो हमने इनको ऐसे ही मिनटों में मार दिया। वेट वेट वेट, एक और आ रही गाड़ी, चल तेरी ऐसी की तैसी तू भी निकल। वेट गाइज, मुझे यहाँ से चेक करते हुए जाना पड़ेगा, अभी कोई मेरा पीछा कर रहा है या फिर नहीं। एक और आ रही है, रुको भाई ये भी। एक सेकंड, ओ भाई क्या ही उड़ उड़ के आ रहे भाई, कैसे पागलों की तरह ड्राइव करते आ रहे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, तेरी ऐसी की तैसी तू भी कुछ नहीं कर सकता। वेट निकल यहाँ से। चलो गाइस कैसे भी करके हमने यहाँ से तो बेलास गैंग के बंदे खत्म कर दिए, बाकी मुझे ना यहाँ पे खड़े होके देखना तो पड़ेगा ये और ना आ रहे हो कहीं। तो गाइस अभी ना मैं बचता बचाता यहाँ पे आ चुका हूँ। वेट ये तो और भी आ रहे हैं भाई, एक सेकंड। ओ वेट भाई ये कहाँ से आ रहे हैं बेलास गैंग के बंदे। अबे गाइस एक मिनट रुको यार, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा भाई, ये तो बहुत सारे आ रहे हैं बेलास गैंग के बंदे। रुको यार, रुको रुको, ये गैंग के बंदे ना कुछ, ओ भैंस की टांग क्या ही बड़े वाला भाई व्हीकल लेके आया। रुक तेरी ऐसी की तैसी, निकल यहाँ से। अबे मुझे गाइस अपनी गाड़ी लेके ना यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई, ये तो अंधाधुंध फायर कर रहे हैं। रुको यार, रुको रुको रुको, मेरी गाड़ी की ऐसी तैसी मत फेर देना तुम लोग भाई, मुझे इनसे कैसे भी करके बचना पड़ेगा यार। ये तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। ये गाइस अपना पीछा करते करते भाई यहाँ तक पहुँच चुके हैं यार। रुको यार, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार, इनको खत्म तो करना पड़ेगा, और मुझे जिमी को कैसे भी करके बचाना है। और गाइस अपनी हेल्प सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, वो है फ्रैंकलिन, और मैं गाइस उसको कॉल भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास फोन भी नहीं है। और गाइस मुझे फ्रैंकलिन के घर जाने से पहले पहले अपने लिए एक फोन का इंतजाम करना पड़ेगा, फोन तो लेना ही पड़ेगा। पहले मैं ये बेलास गैंग के बंदों को पीछे जो छुड़वा लूं भाई, उसके बाद ही फोन स्टोर पे जाऊंगा, नहीं तो इनका कोई भरोसा नहीं है, तो फोन स्टोर ही उड़ा दें। रुको यार एक मिनट, में अपनी गाड़ी को ना यहाँ पे साइड करके पार्क लगा देता हूँ पहले तो। वेट, हेलीकॉप्टर मेरा पीछा कर रहा है क्या, रुकियो जरा भैंस की ये। ओ वेट गाइस गाइस रुको यार, यहाँ पे तो
भाई ये बैलास गैंग के बंदे पीछा नहीं छोड़ने वाले यार, रुको तेरी ऐसी की तैसी, इसका हेलीकॉप्टर ना मुझे ब्लास्ट ही करना पड़ेगा और मेरे पास कोई और वेपन्स भी नहीं है यार, रुको यार, चल तेरी ऐसी की तैसी, इसका पहले तो ना मैं ड्राइवर की ऐसी तैसी फिर तो, रुको तेरी ऐसी की तैसी, भाई क्या कर रही है भाई साहब, क्या ही बंदे आ रहे हैं, रुको 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 M416 ही निकालनी पड़ेगी, उसी से भाई इनको खत्म करता हूँ, रुको 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 तेरी है। भाई गाइस यहाँ पे तो आग लग चुकी है और मुझे ना भाई यहाँ पे भागना पड़ेगा, रुको यार। गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो लॉस गैंग लॉस सैंटोस में सबसे बड़ी गैंग है ना वो बैलास गैंग ही है भाई, मैंने बैलास गैंग के साथ पंगा लेके कहीं गलती ना कर दी हो भाई, मेरे दिमाग में बार बार यही आ रहा है, कहीं मैंने बैलास गैंग के साथ पंगा लेके गलती तो नहीं कर दी भाई, एक सिर्फ टगन बॉस को थोड़े से पैसे की जरूरत थी और मैंने वो डील को फेल करवाया। गाइस ये बैलास गैंग के बंदे बहुत खतरनाक है भाई, सिर्फ दो दिन ही निकले, दो दिन में ही ना गाइस इन्होंने मेरी नाक में दम कर दिया और दूसरी बात जिमी को भी किडनैप कर लिया यार, मैं आखिर अकेला क्या ही करूं यार, मुझे रुको यार गाइस अगर इनसे बचना है ना तो थोड़ा दूर जाके अंडरग्राउंड हो जाता हूं, तभी मैं इनसे बच पाऊंगा, नहीं तो भाई ये कैसे भी करके ना मुझे ढूंढ ही लेंगे। तो एक काम करता हूं, थोड़ा साइड पे जाके छुपता हूं, ये जब मेरा पीछा छोड़ देंगे ना उसके बाद मैं भाई सीधा जाऊंगा फोन लेने के लिए, फोन लेने के बाद सीधा जाऊंगा मैं फ्रैंकलिन के पास, अभी फ्रैंकलिन ही अपनी हेल्प कर सकता है इसके बीच में और कोई हेल्प नहीं कर सकता। वेट, ये कहां से आ गए भाई, क्या ही मारा इन्होंने, पूरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई यार, रुको यहां पे गाइस बैलास गैंग के सारे बंदे यार, नहीं 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 भाई, ये पता नहीं इनको कौन रास्ते बता रहा है और कौन इनको मेरे रास्ते बता रहा है और मैं कहां से निकलने वाला हूं, क्या करने वाला हूं भाई, मेरे सामने आके खड़े हो रहे हैं यार, रुको गाइस यार अभी मुझे कहीं ना कहीं छुपना पड़ेगा। वेट वेट वेट, ये टनल जा रही है ना, तो एक काम करता हूँ इसके नीचे जाके थोड़ी देर के लिए छुप जाता हूँ, देन उसके बाद जब ये पीछा छोड़ देना उसके बाद अपन बाहर निकल के फोन लेने चलते हैं। तो गाइस यहीं पे अपना ना थोड़े टाइम के लिए वेट करते हैं, यहाँ पे अंधेरा भी है, अगर ढूंढने आएंगे तो भाई सीधा इनको खत्म ही कर देंगे फिर तो। तो गाइस यहाँ पे वेट करते करते ना काफी ज्यादा टाइम निकल चुका है, अभी गाइस मुझे लग रहा है ना बैलास गैंग अपना पीछा छोड़ चुकी है भाई, और ये मेरा पीछा कर भी नहीं रहे हैं भाई, यही बढ़िया यार अपने लिए, ये बस पीछा ना करें अपना, बाकी ठीक है गाइस अभी एक काम करते हैं, अभी अपनी मैं गाड़ी भगाता हूँ फुल स्पीड में और फटाफट से एक फोन लेने के चलता, क्योंकि गाइस अपन को फोन के पैसे डगन बॉस ने दे रखे हैं तो अपने लिए एक बढ़िया सा फोन लेना पड़ेगा, सबसे पहला काम अपना फोन लेने का, दूसरा काम अपना फ्रैंकलिन के पास जाने का है, क्योंकि भाई मेरे पास ना तो फोन है, अगर फोन होता तो मैं फ्रैंकलिन को भी कॉल कर लेता और लेस्टर को भी कॉल कर लेता, मैं दोनों के कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ, तो सबसे पहले मुझे फोन लेना होगा और अपना सिम कार्ड भी निकलवाना पड़ेगा, अपना पुराना नंबर भी निकल जाएगा, मतलब वहीं से निकल जाएगा, वहीं से मिल जाएगा, उसके बाद मैं सीधा कॉल लगाऊंगा फ्रैंकलिन को या फिर लेस्टर को। चलो यार गाइस अभी मैं अपनी गाड़ी भगाता हूँ, फटाफट से निकलता हूँ किसी फोन स्टोर की तरफ। ऑल राइट गाइस मैं अपनी गाड़ी को भगाता पहुंचने वाला हूँ डिजिटल डेन में, और डिजिटल में डेन में ना गाइस फोन्स वगैरह मिल जाते हैं और मुझे लग रहा है भाई मुझे सिम ना यहीं पे मिल जाएगा, नहीं तो भाई अपन को सिम लेने के लिए कोई स्टोर कोई और स्टोर पे जाना पड़ेगा, बाकी जहाँ से मैंने पता किया था वो बोल रहे थे यहाँ से फोन और सिम वगैरह निकल जाते हैं, तो अपन को अपना पुराना नंबर भी यहाँ से निकलवाना है। तो चलो गाइज यार मैं तो अंदर आ चुका हूँ और गाइज यहाँ पे ना काफी सारे लोग हैं जो के कुछ ना कुछ लेने के लिए आए हैं, बाकी ये रहा शॉपकीपर, इससे ना गाइज बात कर लेते हैं। तो गाइज ये शॉपकीपर बोल रहे हैं सामने जाके फोन्स पड़े हैं, आप अपने लिए कोई ना कोई फोन जो भी आपको चाहिए वो पसंद कर लो, देन उसके बाद ये बिल बना देगा अपन को, अबे मोटे साइड हटना। तो गाइज मेरे को ना भाई ये फोन पसंद आया है जो कि माइकल के पास पहले ही हुआ करता था, भाई भाई ये तो अपने को सेम टू सेम वही फोन मिल चुका है जो अपने पास पहले हुआ करता था। तो गाइज इसके अभी इससे ना बात कर लेते हैं कि मुझे सिम वगैरह कैसे मिलेगा। ओके तो ये बंदा गाइज बोल रहा है कि यहाँ से तुमको नीचे जाना पड़ेगा और नीचे जाके इसका कोई बंदा बैठा है जो अपन को सिम निकाल के दे देगा। भाई नीचे जाने के लिए जगह देख रहे हो कैसी बना रखी है, ओ भाई साहब भाई ऊपर से सीधा ही नीचे गिर गया भाई, पता भी नहीं चला। ओके तो ये बंदा कहाँ खड़ा है यार, एक तो गाइज ये मुझे बंदा नहीं मिल रहा और मुझे इसने बोला था कि बंदा नीचे जाके बैठा होगा, ओ भाई नीचे भी जाके इन्होंने पता नहीं क्या ही खुदवा रखा है भाई, नीचे इन्होंने सर्वर्स रख रखे हैं, देख रहे हो अंडरग्राउंड ही खुदवा रखा, पर बंदा तो नीचे भी नहीं है यार, एक बार मुझे देखना पड़ेगा भाई, सिम निकलवाना है अपना पुराना तभी मैं लेस्टर को कॉल कर पाऊंगा और जिमी की लोकेशन पता कर पाऊंगा। ओके ये रहा वो बंदा, आराम से कॉफी पी रहा है भाई, चल भाई मेरा सिम निकाल के दे अभी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये बंदा अभी मेरा सिम निकालने लग चुका है और अभी मेरे फोन में सिम डाल के ये मेरा फोन एक्टिवेट कर देगा। ऑल राइट गाइज अपना फोन फुली एक्टिवेट हो चुका है, अभी मुझे गाइज सिर्फ कॉल लगाना है पहले तो लेस्टर को
और जिमी की लोकेशन पता कर लिया अभी। तो भाई सारे मैंने जो कॉन्टेक्ट थे ना वो अभी अपने वापिस आ चुके हैं, तो अभी मैं कॉल करता हूँ सबसे पहले तो लेसर को, तो इससे बात कर लेते हैं। ऑल राइट गाइज, मेरी जो है ना भाई लेसर से बात हो चुकी है। लेसर मेरे को बोल रहा है भाई मैं सुबह से तेरे को कॉल लगा रहा हूँ और मेरे को भी जिमी की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे। मैंने उसको बताया कि भाई मैंने उसको बताया कि अभी जाके मैंने फोन लिया है नया। चलो गाइज ठीक है, अभी वो ना लेसर जो है ना वो लोकेशन ढूंढने लग चुका है। अभी अपना पहला काम है गाइज फ्रैंकलिन को मिलना, क्योंकि भाई फ्रैंकलिन ही है जो अभी इस मामले में अपनी हेल्प कर सकता है, क्योंकि मैं अकेला भाई इतनी बड़ी बेलास गैंग के साथ नहीं लड़ सकता। आप लोगों ने देखा था कैसे वो इतने बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स लेके आ रहे थे, कार देखा था जिसके पीछे इतना बड़ा वेपन लगा हुआ था वो लेके आ रहे थे ट्रक टाइप के। भाई मैं अकेला उनसे नहीं लड़ सकता, तो मुझे ना भाई आज फ्रैंकलिन की हेल्प चाहिए। तो देखते हैं भाई फ्रैंकलिन अपनी क्या ही हेल्प करता है। बाकी मैंने अभी से फ्रैंकलिन को कॉल नहीं लगाया, घर जाके देखता हूँ भाई फ्रैंकलिन आखिरकार कर क्या रहा है। तो चलो यार गाइस अभी मैं अपनी गाड़ी भगाता हूँ, फटाफट से निकलता हूँ फ्रैंकलिन के घर की तरफ। ऑल राइट गाइस, मैं अपनी गाड़ी को भगाता गाइस पहुंच चुका हूँ फ्रैंकलिन के घर के पास, और यहाँ पे मुझे बस सिर्फ फ्रैंकलिन को उठाना है और जिमी की तलाश के लिए, जिमी को ढूंढने के लिए निकल जाना है। बाकी अपन को लेसर जो है ना वो लोकेशन भेजता रहेगा जिमी की। बाकी हाँ मैं पहुंच चुका हूँ अभी फ्रैंकलिन के घर पे। चलो यार गाइस अभी चलते हैं अंदर फ्रैंकलिन के घर पे। भाई एक तो ना ये फ्रैंकलिन का इतना बड़ा घर है ना भाई, बंदा अकेला ही रहता, ये नहीं कभी कहता कि हाँ माइकल अभी तेरी जिंदगी में कुछ नहीं है तू रह ले मेरे साथ, पर इतने बड़े घर में अकेला ही रहता। और फ्रैंकलिन घर पे नहीं है, एक सेकंड यार फ्रैंकलिन तो घर पे है ही नहीं। एक काम करता हूँ एक बार नीचे जाके देखता हूँ भाई, शायद हो सकता है नीचे हो। अबे यार ये तो अपने रूम में भी नहीं है। ओ एक लड़की डांस कर रही है और ये फ्रैंकलिन क्या कर रहा है भाई? फ्रैंकलिन ये देख रहे हो गाइस ये कर क्या रहा है? और लड़की भाई मुझे लग रहा है ना ये इसकी गर्लफ्रेंड है, और ये है भाई देख रहे हो क्या कर रहा है ये फ्रैंकलिन। और गाइज अभी ना चलो यार इससे बात कर लेते हैं फ्रैंकलिन से। और गाइज अभी देख रहे हो भाई फ्रैंकलिन की गर्लफ्रेंड बोल रही है कि ये तेरे दोस्त को जिंदगी भर प्रॉब्लम ही चलती रहती है, जब भी आता है प्रॉब्लम्स लेके ही आता है। गाइज यार ये देख रहे हो भाई फ्रैंकलिन अपना, ओ भाई बंदे ने उसको सीधा मुक्के से नीचे गिरा दिया। गाइज फ्रैंकलिन बोल रहा है गर्लफ्रेंड जाए भाड़ में, दोस्ती पहले। अबे यार भाई तूने खुश कर दिया यार। चलो गाइज ठीक है, अभी भाई इसने ऐसी बात बोली तो थोड़ा सा गलत गंदा तो लगा भाई मेरी जिंदगी में, ठीक है भाई प्रॉब्लम चल रही है। तो गाइज अभी ये जो बात फ्रैंकलिन ने बोली है ना गर्लफ्रेंड जाए भाड़ में दोस्ती पहले, भाई भाई मतलब बंदे ने दिल खुश कर दिया यार, ये बात तो इसकी मैं सदियों सदियों याद रखूंगा। तो चलो यार गाइज अभी भाई आज ना मुझे अपने बेटे जिमी को बचाना है, चाहे वो अपने साथ नहीं रहता बट यार है तो फिर भी अपना बेटा ही ना, कैसे भी करके उसको बचाना है। और देखते हैं भाई आज ना मुझे एक बार उसको बचा लूँ ना, और जिमी के साथ जाके ना मैं ये पता कर सकता हूँ अपनी फैमिली आजकल रह कहाँ रही है। गाइज ये जो माइकल का मेंशन है ना उसको अमेंडा ने खुद से भी छोड़ दिया है, और अमेंडा ने खुद बोल दिया है कि माइकल तुम इस घर में कभी घुसोगे भी नहीं, क्योंकि वो जो घर है ना वो अमेंडा के नाम है, तो ऑल ओवर अपन उस घर में तो जा नहीं सकते। अभी गाइज मुझे यही पता करना है अमेंडा आखिरकार है कहाँ, उसके बाद अपन अपनी फैमिली को समझा फुसला के भाई लेके आ जाएंगे घर पे। तो चलो यार गाइज अब मैं अपनी गाड़ी भगाता हूँ फट। एक मिनट यार गाइज यार फ्रैंकलिन बोल रहा है कि अगर तुमको जिमी को छुड़ाने के लिए जाना है तो इस गाड़ी में अपन कैसे जा पाएंगे, मतलब हम दोनों तो चले जाएंगे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिमी कैसे आएगा गाड़ी में बैठ के? तो अभी क्या करें यार, एक काम करते हैं अपने मेंशन पे पहले तो चलते हैं, और वहाँ पे अपनी लैम्बोर्गिनी को तो लगा के उसके बाद कोई गाड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा जो कि 4-सीटर हो, और उसके बाद चलते हैं भाई जिमी को बचाने के लिए। तो चलो गाइज यार अभी मैं अपनी गाड़ी भगाता हूँ और फटाफट से निकलता हूँ माइकल के घर की तरफ। ऑलराइट गाइज मैं अपनी गाड़ी को भगाता गाइज पहुंचने वाला हूँ अपने घर पे, और अभी मुझे एक गाड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा जिस वो गाड़ी लेके अपन सीधा जाएंगे जिमी को बचाने के लिए। ओ भैंस की, अबे ओ देखो गाड़ी नहीं चलानी आती हो भाई। गाइस फ्रैंकलिन बोल रहे हैं कि ये गाड़ी अपने लिए मस्त है और इसी को चुराना पड़ेगा, तेरी ऐसी की जैसी गाड़ी छोड़। एक तो ये मुझे लग रहा है 3-सीटर कार है भाई, इसके पीछे एक सीट बनी हुई है बैठने के लिए। तो फ्रैंकलिन बोल रहा है ना ये गाड़ी अपने लिए मस्त रहेगी, और इसने अपन को टक्कर मारी इसकी सजा भी इसको देनी पड़ेगी। वेट अ मिनट, अब तो बेटे तेरे से ही गाड़ी छीन के रहूंगा, एक सेकंड रुक। तो गाइस 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 बंदा देख रहे भाई कितनी स्पीड में भाग रहा है, इसकी ऐसी की जैसी इसने टक्कर मारी ना भाई इसको मैं बताता हूँ, इससे गाड़ी कैसे भी हालत में छीन के रहूंगा। और ये गाड़ी अपने लिए परफेक्ट है, एक तो ये स्पोर्ट्स कार है क्योंकि ये कार भागेगी भी अच्छी, और भाई ऊपर से ये 3-सीटर कार है, तेरी ऐसी जैसी अब तो तेरे को गाड़ी बेटे छोड़नी ही पड़ेगी। अब तो गाइज इससे मैं गाड़ी छीन के ही रहूंगा, क्योंकि ये बंदा ना बार बार भगा रहा है गाड़ी को और मेरे को और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। एक सेकंड रुकियो, इसको मैं बताता हूँ भाई मारने को तो अभी मैं गन निकाल के इसके टायर पंक्चर कर दूं, बट मुझे ही ये गाड़ी ड्राइव करनी है और अपन ये भी काम नहीं कर सकते, फटाफट से इसको टक्कर मारते हो भाई। क्या ही टक्कर बजी और बंदा नीचे गिर गया भैंस की तेरी, इसको ना 2-3 बार ना ऐसे ही भाई पिचक देते हैं
ताकि ये बंदा उठ ही ना पाए। बाकी गाड़ी किधर गई भाई? अबे इतनी क्या, ओ भाई ये रही गाड़ी। अबे जल्दी जल्दी फ्रैंकलिन ने काम कर, जल्दी जल्दी ये गाड़ी उठा। ऑलराइट गाइस, अभी फ्रैंकलिन जो है ना वो गाड़ी में बैठने के लिए जा रहा है, और भाई उस बंदे को तो हमने गंदा ही मारा, और अपन को गाइस अभी गाड़ी का इंतजाम भी हो गया। भाई फ्रैंकलिन ऐसी टेंशन ले रहा था गाड़ी का इंतजाम कैसे होगा कैसे होगा। भाई किस्मत अपनी इतनी अच्छी है ना कि गाड़ी का इंतजाम अपने आप ही हो गया। और ये देख रहे हो भाई, ये बोल रहे हैं कि घर तक की एक रेस लगाते। चलो ठीक है गाइस, अपना घर भी नजदीक है, एक इससे ना रेस भी लगा लेते हैं। और बाकी ना फ्रैंकलिन अच्छी ड्राइविंग कर रहा है भाई, बंदा क्या ही भगा रहा है गाड़ी को। बट ठीक है भाई, मेरे से आगे नहीं निकल पाएगा क्योंकि भाई ये लैम्बोर्गिनी सियान है, और मैं तो भाई इसको लहराता हूँ, ये निकल जाऊंगा। तो ऑलराइट गाइस, अभी मैं आगे तो आ चुका हूँ भाई, अभी रेस वेस क्या ही करना, घर बहुत नजदीक है, जल्दी से पहुंचते अपने घर की तरफ। ऑलराइट गाइस, फ्रैंकलिन बोल रहा है कि तेरे में दम है ना, तो यहां से सीधा घर तक की रेस लगाते हैं। तो चलो यार गाइस, अभी इसको बताते हैं भाई, इसका घमंड ना अभी मैं तोड़ता हूं। एक सेकंड, पहले तो मुझे ना घर का सीधा रास्ता यहीं से पड़ेगा ना, अपना घर का रास्ता। ओके तो ओ वेट भाई थोड़ा गलत आ गया। अबे यार चलो गाइस, कोई दिक्कत नहीं, मैंने अपनी गाड़ी सीधी कर ली, और ये भाग रहा है फ्रैंकलिन। बट यार ये मेरे को नहीं हरा पाएगा यार, कैसे हरा देगा? आप लोगों ने देखा ना मैंने इसको कैसे पीछे किया था वो सड़क पे चलते चलते, और ये बंदा मेरे को हराने की कोशिश कर रहा है। रुको यार, अपना घर सामने ही आ गया है। चलो गाइस यार, मैं तो भाई फ्रैंकलिन को बहुत ज्यादा पीछे छोड़ा चुका हूँ, और रहा फ्रैंकलिन पीछे, और अपना घर आ चुका है भाई। ओ भाई ये गलत किया इसने, भाई ये बंदे ने गलत किया, एक मिनट रुकियो भाई, ये इसने पता नहीं कैसे गलत किया। बैठो भाई, दोनों मुझे लग रहा है सही पहुंचे। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कौन सी गाड़ी जीती है, आप लोग बताओ यार कमेंट करके। बाकी गाइस ठीक है, हमने वहां पे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है, बाकी मैं अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को ना यहीं पे खड़ा कर देता हूँ अभी ना गाइस। मैं जल्दी से कॉल कर लेता हूँ लेस्टर को। तो गाइस मैं और फ्रैंकलिन ना अभी भाई अपन दोनों बात कर लेते हैं, और कैसे हमको भाई जिमी को बचाना है। चलो यार चलते फिर अंदर की तरफ। ऑल राइट गाइस, मेरी जो है ना भाई लेस्टर से बात हो चुकी है। लेस्टर बोल रहा है कि मैं उसको अभी ट्रैक कर ही रहा हूँ, मतलब जिमी को वो ट्रैक कर रहा है, और लेस्टर ने मुझे भाई थोड़ी सी एक लोकेशन भेजी है, और मुझे बोला है लेस्टर ने कि तुम पहले वहां तक पहुंचो, बाकी मैं तुमको लोकेशन जो है ना वो बताता हूँ। तो चल भाई फ्रैंकलिन जल्दी से बैठ साथ में। अभी जो लोकेशन मुझे लेस्टर ने दी है ना, फटाफट से पहले तो उस लोकेशन पे पहुंचता हूँ, और आगे की लोकेशन फिर मुझे लेस्टर ही बताएगा भाई आगे करना क्या है। बाकी तो चलो यार, अभी भाई मुझे कैसे भी करके जिमी को बचाना, और आज के भाई आज क्या जिमी को बचाने के बाद ना भाई बेलास गैंग को मैं खत्म करने के लिए निकल जाऊंगा, क्योंकि भाई ये जो गैंग है ना भाई इसने बहुत गलत करा है, जिमी को पकड़ के तो कुछ ज्यादा गलत करा है भाई इन्होंने। ऑल राइट गाइज, मेरे को ना भाई लेस्टर को कॉल आ चुका है। लेस्टर बोल रहा है कि ये जो हाईवे जा रहा है ना सामने, यहाँ से ही वो जिमी को एक ट्रक में लोड करके, मतलब ट्रक में ना किडनैप करके लेके आ रहे हैं भाई, ताकि किसी को पता ना चले। एक सेकंड रुको भाई। और गाइस इस ट्रक को पकड़ने का एक फायदा ये भी है कि हमारे आगे पीछे ना बेलास गैंग ज्यादा तो नहीं होंगे, बेलास गैंग ज्यादा बंदे नहीं होंगे, क्योंकि भाई बेलास गैंग वाले कभी सोच भी नहीं सकते। माइकल को ये भी पता चल सकता है कि कभी वो ट्रक में भी ऐसे लोड करके ले जाए। तो भाई ये जा रहा है वो ट्रक सामने ही। वेट अ मिनट, रुको भाई एक मिनट, ये ट्रक में आई थिंक यही ट्रक में भाई जिमी, और इनको गाइस पता चल चुका है कि माइकल इनके पीछे लग चुका है। देख रहे भाई बंदा क्या ही ड्राइविंग कर रहा है। अबे फ्रैंकलिन तू क्या कर रहा भाई? वेट अ मिनट, ये फ्रैंकलिन क्या कर रहा है? अबे एक सेकंड भाई, ये फ्रैंक, अबे यार गाइस ये फ्रैंकलिन आखिरकार कर क्या रहा है भाई यार गाइस, ये फ्रैंकलिन देख रहे हो भाई क्या ही बंदा है भाई, पीछे चढ़ चुका है फ्रैंकलिन यार, ये देख रहे हो गाइस। एक सेकंड रुको भाई, मुझे ना बिल्कुल साथ में रहना पड़ेगा, और इस बंदे को ना मुझे खुद ही मारना पड़ेगा। रुको यार भाई, फ्रैंकलिन देख रहे हो, और मैं आप लोगों को गाइस सिनेमैटिक में दिखाता हूँ। ये देख रहे हो भाई फ्रैंकलिन कैसे लड़ता हुआ जा रहा है। गाइस भाई फ्रैंकलिन ने भाई वो बंदे को ही नीचे फेंक दिया। ऑलराइट गाइस ठीक है भाई, फ्रैंकलिन ध्यान से जाइयो, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत ले, जो भी बंदा तेरे सामने आएगा ना सीधा हेडशॉट ही बजाऊंगा उसके मैं। भाई ये बंदा आ रहा है, ओ भाई फ्रैंकलिन ने उसको पकड़ तो लिया, बट एक सेकंड रुकियो चल भाई मार दिया गाइस मैंने उसको, भाई बंदे को मार दिया, नहीं तो भाई फ्रैंकलिन को वो ना नीचे ही फेंक देता भाई। क्या ही बंदा है फ्रैंकलिन देख रहे हो, और जिमी आ चुका है भाई, एक सेकंड रुकियो, जिमी आ चुका है भाई, जिमी जल्दी आजा जिमी, इधर आजा। ओ भाई गाइस इन्होंने क्या किया जिमी के साथ, जिमी को ऐसे लटका ही दिया, और भाई फ्रैंकलिन को भी नीचे भैंस की टांग। ये आखिरकार क्या हो रहा है? अबे ओ नहीं 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 भाई एक मिनट रुको, पहले तो ना मुझे जिमी को कैच करना पड़ेगा, उसके बाद ना भाई, क्योंकि जिमी और वेट। चलो गाइस जिमी को मैंने पकड़ लिया, और भाई फ्रैंकलिन ने ना उस बंदे को भी मार दिया। एक सेकंड रुक, तेरी ऐसी तेज़, चल नीचे यार। चलो गाइस इसको तो मैंने ही नीचे गिरा दिया, बाकी एक सेकंड रुको भाई, मुझे अपनी गाड़ी को भगा के ना फ्रैंकलिन के नीचे गाड़ी को लेके जाना पड़ेगा, फ्रैंकलिन बेचारा गिर ना जाए।
ऑल राइट गाइस, फ्रैंकलिन भाई बिल्कुल सेफली ऊपर चढ़ चुका है भाई। बेलास गैंग ना कुछ ज्यादा ही गंदी है गा। तेरी ऐसी की जैसी, अबे इसको मैं टक्कर भी मार रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और फ्रैंकलिन बोल रहा है कि माइकल जल्दी से अपनी गाड़ी नजदीक करके लेके आ और मुझे पकड़। एक सेकंड, आजा 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 भाई फ्रैंकलिन आजा भाई साहब। क्या ही सीन हो गया भाई, और गाड़ी में से ना धुआं निकलना स्टार्ट हो चुका है यार। आजा भाई फ्रैंकलिन, फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठ जा यार। तो गाइस कैसे भी करके हमने जिम्मी को तो बचा लिया, बट गाइस गाड़ी में से ना कुछ ज्यादा ही धुआं सा निकलने लग गया है भाई, और ये धुआं ना भाई सीधा अपने मुंह पे ही पड़ रहा है। तो गाइस अभी मुझे एक काम करना पड़ेगा, देख रहे हो भाई इसकी पूरे धुएं की लहर निकलती हुई जा रही है। क्या ही लग रहा है भाई ये धुआं, बट ठीक है भाई, पर ये धुआं अपन को लग नहीं रहा है, और मतलब कि शीशे से टकरा के पीछे ही जा रहा है धुआं। चलो ठीक है गाइस, अभी ना मुझे कैसे भी करके जिमी को ना पहले अपने घर पे लेके जाना पड़ेगा। और जिमी जिद कर रहा है कि माइकल के घर पे वो नहीं जाएगा, क्योंकि अमेंडा ने मना कर रखा है। मैंने भाई सीधा बोला भाई चुपचाप चल, नहीं तो यहीं पे फेंक के चला जाऊंगा। तो ये डर गया है, पीछे डर के बैठ गया, देख रहे हो बंदा बोल भी कुछ नहीं रहा, नहीं तो इतनी देर से ना इसकी चबर चबर सुन सुन के ना पागल हो गया था। अब बंदे को मैंने जब बोला ना यहीं पे छोड़ के चल जाऊंगा, सीधा चुपचाप होके बैठ गया। बाकी ठीक है गाइस, यार अभी ये जो गाड़ी है ना भाई, इसका पता नहीं यार भाई, गाड़ी को तो चोट वगैरह तो बिल्कुल नहीं लगी, बट यार इसका जो इंजन है ना वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, मतलब इतना ज्यादा धुआं निकल रहा है। चलो मुझे तो क्या ही इस गाड़ी को रिपेयर करवाना है, मुझे तो भाई ये गाड़ी फेंकनी ही है, क्योंकि अपने ये किसी काम की गाड़ी नहीं है। बाकी देख रहे हो भाई कितना ज्यादा धुआं निकलता ही जा रहा है इस गाड़ी में से, छोड़ो यार क्या ही करना है। और गाइस यार जिमी बॉय को बोल रहा है कि इसको ना भाई बेलास गैंग के बंदों ने बहुत ज्यादा कूटा, कोई टेंशन मत ले जिमी, तू टेंशन मत ले, तेरा बदला ना मैं भाई बेलास गैंग से लेके रहूंगा, टेंशन मत ले तू। एक बार ना मुझे बस निकलने दे ये पंगों से, ये जो मेरे ऊपर एक दो पंगे और है, एक बार ना लेस्टर गाइस लॉस सैंटोस में लौट के वापिस आ जाए ना, उसके बाद भाई सबसे बड़ा खात्मा होने वाला है बेलास गैंग का, क्योंकि मैं भाई अभी ज्वाइन करने वाला हूँ वेगास गैंग। इसके बाद ना भाई मैं वेगास गैंग ज्वाइन करने के लिए जाऊंगा, और वेगास गैंग को बोल के एक बहुत बड़ी गैंग और खड़ी करने वाले हम, सीधा बेलास गैंग बिल्कुल ही जड़ से खत्म कर देंगे। तो चलो यार गाइस, अभी मैं अपनी गाड़ी भगाता हूँ, फटाफट से निकलता हूँ माइकल के घर की तरफ। ऑल राइट गाइस, मैं अपनी गाड़ी को भगाता हूँ, गाइस काफी ज्यादा दूर तक आ चुका हूँ, और इसका जो धुआं है ना भाई वो बढ़ता ही जा रहा है, आई थिंक ना ये गाड़ी फटने वाली है। एक सेकंड रुकियो, पहले मैं जल्दी जल्दी अपने घर के बाहर पहुंच जाऊं, अभी तक तो गाड़ी में आग लगी नहीं है और कोई भरोसा नहीं है ये गाड़ी कभी फट जाए। एक सेकंड रुकियो, थोड़ा मैं अपने घर के पास तो पहुंच चुका हूं, इस गाड़ी को ना पहले यहीं पे पार्क करा लेते हैं, और भगते भाई यहां से फटाफट से फ्रैंकलिन निकल यार। तो गाइस देखते देखते ना गाइस यहां पे आग लग चुकी है भाई साहब, देख रहे हो भाई कैसे भाग रहे हैं स्पीड से। चलो गाइस यार मैं भी यहां पे जल्दी से जाके अंदर जाके छुप जाता हूं, और देखते भाई गाड़ी ना जल्दी फटने वाली है। तो गाइस गाइस अब तो हम तो अंदर आ चुके हैं भाई, गाड़ी पूरी के पूरी गाइस ब्लास्ट हो चुकी है, देख रहे हो। मैंने भाई अपन ना बहुत ज्यादा सही तरीके से बच गए भाई, गाड़ी में ना गाइस तभी धुआं निकलने लग गया था, और गाड़ी में भी आग भी लग गई थी जैसे आप लोगों ने देखा था। हम भक्के ना भाई तीनों तीनों यहां पे आ गए, नहीं तो भाई गाड़ी में हम तीनों रहते और गाड़ी फट जाती ना, लिटरली क्या ही हो जाता। और गाड़ी देख रहे हो गाइस, अभी आप लोग को गाड़ी की हालत दिखाता हूँ, बायनोक्लियर से निकालता हूँ, और ये देख रहे हो गाड़ी की क्या ही हालत हो चुकी है भाई, पूरी की पूरी गाड़ी तब ब्लास्ट हो जाती जब हम अंदर रहते, तो भाई हम तीनों के चितड़े चितड़े उड़ जाते और आज ही भाई खत्म हो जाते हम। और ये भाई फायर एब्रिगेड के बंदे आ रहे हैं उसकी आग बुझाने, भाई अब क्या ही करोगे यार तुम लोग। चलो ठीक है गाइस, अभी भाई सब कुछ ठीक है, हमने जिमी को भी बचा लिया, अभी जिमी से गाइस पूछ के ना हम सीधा जाएंगे भाई अपनी फैमिली से मिलने के लिए, और अमेंडा से मिल के ना गाइस अभी उसके बाद भाई फिर अमेंडा को समझा फुसला के हम इस घर पे ले आएंगे, और ये घर फिर अपने दोबारा नाम पे हो जाएगा, मतलब हम घर पे रह पाएंगे। तो धीरे धीरे गाइस फिर वही उल्टे सीधे काम करके ना मैं अमेंडा से बात कर लूंगा, फिर से गाइस उल्टे सीधे काम करके ना गाइस थोड़ा मोटा एक वो रिच मैन मेंशन अपना छुड़वाना है कैसे भी करके। वो रिच मैन मेंशन मुझे गाइस पता चला है कि वो रिच मैन मेंशन की बहुत बड़ी ऑक्शन होने वाली है, वो ऑक्शन में बहुत बड़े बड़े बिलियनर्स आने वाले हैं उस ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए। अपना सबसे पुराना फ्रेंड लिबर्टी फ्रेंड भी आ रहा है उस ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए, और गाइस सबसे बुरी बात है उस ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए एल रूबियो भी आ रहा है। गाइस वो घर ना मुझे कैसे भी करके चाहिए, वो कल ऑक्शन होने वाली है, गवर्नमेंट उस घर का ऑक्शन करने वाली है भाई, ऑक्शन में ना मुझे अपना घर को कैसे भी करके छुड़वाना है। गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ कि हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ भी पैसा नहीं है, ऑक्शन में हम कैसे हिस्सा लें और कैसे अपना घर दोबारा अपने
नाम पे कर ले भाई। कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो यार गाइस करते गाइस आज की वीडियो का एंड। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करके बता देना, वीडियो में अच्छे से कमेंट भी कर देना, वीडियो को दबाकर शेयर भी कर देना। मेरे से बात करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना। डिस्कॉर्ड और इंस्टा दोनों का लिंक आप लोग का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते गाइस ऐसी तगड़ी धमाके दार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Stable, oh yeah.